जी बस ये तो यही वाली बात हुई कि जैसे ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, बस सरकार अपनी पीठ थपथपाने लगी है कुछ बच्चों को बुला के, क्योंकि मतलब अभी आप देख रहे हैं कि मोदी जी इस असमंजस में पड़े हुए हैं कि यूपी बचाऊं या यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हैं उनको लेके आऊं। मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा ज़रूरी यही लग रहा है कि अभी जो चुनाव हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कुछ बच्चों को बस नाम के लिए बुला लिया गया, क्योंकि कल को कोई ये नहीं कहे कि हमारे बच्चे फंसे हुए थे विदेश में और आप यहाँ पर चुनावी रैलियों में लगे हुए थे। तो बस इसीलिए मोदी जी बस कुछ बच्चों को बुलाकर अपना पीठ खूब थपथपा रहे हैं, अपने मुंह में मिट्टू बन रहे हैं। वहाँ 20,000 से ज़्यादा बच्चे अभी फंसे हुए हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। यूक्रेन में उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया जा रहा है, पुलिस उन्हें पीट रही है लेकिन उन्हें देखने वाला कोई भी नहीं है। ये फिर पहले लहर की तरह हो गई कोरोना में, जैसे अपने ही लोगों को जैसे बिहार सरकार ने प्रवासी करार दे दिया था, मतलब कितना बुरा बिहेव किया जा रहा था। जैसे किसानों को अपने ही देश में ऐसा बिहेव मिलता है जैसे कि वो आतंकवादी हो, हमारे मोदी जी किसानों से ही डर जाते हैं। तो इसी तरह से अभी यूक्रेन के छात्रों के साथ भी वो कर रहे हैं, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, अभी हमारी बहुत ज़रूरत है। मोदी जी को सब काम भूलकर अभी अपने युवाओं को अपने छात्रों को वापस लाना चाहिए था लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो अपनी चुनावी रैलियों में लगे हुए हैं, वो अपने आप में मस्त है, जनता बिल्कुल त्रस्त है लेकिन वो अपने आप में मस्त है। पुतला दहन से ही सिर्फ ये संभव हो पाएगा, आप लोग पुतला दहन से प्रदर्शन के माध्यम से ही ये इसको हल कर पाएंगे। ये तो बस शुरुआत है, आप आगे आगे देखिए क्या होता है। मोदी जी अगर ये जो अपने कुंभकर्ण वाली नींद से सो रहे हैं अगर वो नहीं जगे तो आप देखिए आगे ये क्या होता है। अगर मोदी जी को अपने देश के भविष्य का, जो बाहर में रह रहे हैं, जो कल को भारत का ही नाम रोशन करते हैं, भारतीय होने पे सबको गर्व है, भारत का ही नाम रोशन करने के लिए वो विदेश गए हैं लेकिन मोदी जी को उनकी कोई परवाह नहीं है, तो अगर मोदी जी की ये नींद नहीं खुली तो ये तो बस शुरुआत है, आप आगे देखिए क्या होता है। मोदी जी हर एक बात को हल्के में लेते हैं तो इस बार नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। हम मोदी जी की आँख खोल के रहेंगे क्योंकि इस बार युवाओं की बात है और वो भी विदेश में जो बहुत मुसीबत में अभी ज़रूरत है। तो मोदी अब बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा अगर मोदी जी ने उन्हें सुरक्षा नहीं दिया और भारत वापस नहीं बुलाया तो।